एक फिल्म थी कर्ज, जो सुभाष घई साहब ने बनाई थी। अब पब्लिक में 99% लोग ये सोचते हैं कि कर्ज सुपरहिट फिल्म थी। एक्चुअली कर्ज सुपरहिट फिल्म नहीं थी, कर्ज का संगीत सुपर डुपर हिट था, लेकिन कर्ज बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। जी हाँ, आप दंग रह गए ना ये सुनकर कि कर्ज बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। एंड सुभाष घई साहब खुद ये कहते हैं कि शायद इसलिए नहीं चली थी क्योंकि वो एक पुनर्जन्म की कहानी थी, री इनकार्नेशन फिल्म थी, लेकिन लोगों को ये बात पल्ले ही नहीं पड़ी क्योंकि ऋषि कपूर की भूमिका, जो ऋषि कपूर ने भूमिका निभाई पिछले जन्म में, वो भूमिका राज किरण ने निभाई। तो लोग, सुभाष घई साहब के अनुसार, लोग कंफ्यूज हो गए कि ये पुनर्जन्म की कैसी कहानी है, क्योंकि हिंदी सिनेमा गोइंग ऑडियंस के लिए पुनर्जन्म की फिल्म, री इनकार्नेशन की फिल्म का मतलब है वही हीरो डबल रोल में हो। सुभाष घई ने कुछ अलग किया, पहले किरदार में राज किरण को लिया, दूसरे किरदार में ऋषि कपूर को लिया। दोनों की सिमिलैरिटीज थी लुक में, लेकिन दो अलग एक्टर्स थे और इस वजह से लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि ये पुनर्जन्म की कहानी इस प्रकार की हो सकती है, और फिल्म फ्लॉप हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सालों बाद टी सीरीज के भूषण कुमार ने कर्ज के रीमेकिंग राइट्स सुभाष घई से खरीदे। जी हाँ, लोग हिट या सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर के राइट खरीदते हैं, रीमेकिंग राइट्स खरीदते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ होगा कि एक प्रोड्यूसर ने दूसरे प्रोड्यूसर से एक फ्लॉप फिल्म के रीमेकिंग राइट्स खरीदे। शायद आम जनता की तरह उस समय टी सीरीज के भूषण कुमार को भी अंदाजा नहीं था कि कर्ज एक हिट फिल्म नहीं, फ्लॉप फिल्म थी। खैर, सुभाष घई की किस्मत कि उस फ्लॉप फिल्म से भी उन्हें पैसे कमाने थे और उन्होंने भरपूर पैसे कमाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है रिपोर्टेडली भूषण कुमार पेड अ प्राइस ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ रुपीज टू सुभाष घई फॉर द रीमेकिंग राइट्स ऑफ द फ्लॉप कॉल्ड कर्ज।